भदौरिया और मैं जुड़ी हूँ यहाँ मोदी केयर परिवार के साथ और लेके आ रही हूँ आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपीज और वो भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स से जो क्वालिटी में है हमेशा सबसे उत्तम. दे आर द बेस्ट सिंपली बिकॉज दे कम फ्रॉम मोदी केयर. आज आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ वो है मोदी केयर के फ्रूट ऑफ अर्थ कॉफ़ी कलेक्शन से. दो बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड्स कॉफ़ी के मोदी केयर लेके आया है आपके लिए. एंड वन इज दिस 100% इंस्टेंट कॉफ़ी विच इज़ मेड फ्रॉम 100% प्योर अराबिका एंड 100% प्योर रोबस्टा बीन्स के साथ. तो अराबिका बीन्स देते हैं इसको एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लेवर, दैट मेलोनेस ऑफ कॉफ़ी. एंड द रोबस्टा बीन्स, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, रोबस्ट फ्लेवर्स, यानी कि एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता है. ऑफ कोर्स इस इंस्टेंट कॉफ़ी के साथ आप अपनी रेगुलर कॉफ़ी बना सकते हैं, एस्प्रेसो कॉफ़ी बना सकते हैं, कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं. तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आज आपको कुछ अलग करके दिखाऊं. एंड लेट अस क्विकली मेक एन एगलेस कॉफ़ी चॉकलेट केक. है ना बढ़िया आइडिया. तो चलिए हम बनाते हैं एगलेस कॉफ़ी चॉकलेट केक. तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी. मेरे पास है तकरीबन 1 कप मैदा. तो ये 1 कप मैदा हम ले लेते हैं और इस 1 कप मैदा में मैं मिलाऊंगी 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर. 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और इसी के साथ साथ 3 टेबलस्पून कोको पाउडर भी, और इसे हम अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे. आप चाहें तो किसी छन्नी से इसे 2 से 3 बार छान लीजिए. ऐसा करने से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इवन ब्लेंडिंग हो जाएगी सारे इंग्रेडिएंट्स की. तो लीजिए भाई, ये तो हो गए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार. और अब हम तैयार कर लेते हैं अपने वेट इंग्रेडिएंट्स. अब एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून कॉफ़ी. And this is the fruit of earth. तो ये 1 टीस्पून प्योर 100% कॉफ़ी विद ऑल द गुडनेस ऑफ ऑल द कॉफ़ी दैट यू कैन एवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. और इसके साथ इसमें मिला रही हूँ मैं थोड़ा सा गर्म पानी सो दैट आई कैन गेट अ नाइस कॉफ़ी कंकॉक्शन. सो अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर. और ये मेरा कॉफ़ी लेकर भी तैयार हो गया. और अब मेरे वेट इंग्रेडिएंट्स, उसके लिए सबसे पहले ले रही हूँ मैं ये 1 कप बटर मिल्क, यानी कि प्लेन छाछ. आप घर का बना हुआ मट्ठा या छाछ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें. मेरा सजेशन ये है कि आप बाजार का ही छाछ इस्तेमाल करें, फॉर द सिंपल रीज़न कि मार्केट का जो छाछ होता है वो होमोजेनाइज्ड होता है, यानी कि उसका एक एक जो पार्टिकल होता है सेम साइज का होता है, यानी कि ये यूनिफॉर्मली गाढ़ा होता है. तो ये हुआ हमारे पास 1 कप छाछ. और अब इसमें मैं लूँगी 1 कप चीनी, यानी कि जितना मैंने मठा लिया है उतनी ही चीनी है और उतना ही मेरे पास मैदा भी है. सो ऑल थिंग्स इन इक्वल क्वांटिटी. और आप नोटिस करेंगे कि मैं ग्रैन्यूलेटेड शुगर ले रही हूँ, यानी कि दानेदार चीनी. मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है. तो इस शुगर को हम डिसॉल्व कर लेंगे मठे में एंड वील कीप मिक्सिंग जब तक पूरी की पूरी शुगर डिसॉल्व नहीं हो जाती. तो ये शुगर इसमें डिसॉल्व हो गई है. और अब 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा. जी हाँ, मैदे में मिलाया था हमने बेकिंग पाउडर, लेकिन इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा. तो 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करके मैं इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए छोड़ दूंगी, या तब तक जब तक मुझे इसके ऊपर ढेर सारी झाग ना दिखे या बुलबुले ना उठते दिखाई दें. जब ऐसा होगा मुझे पता चल जाएगा कि बेकिंग सोडा और मठा आपस में रिएक्ट करना शुरू कर चुके हैं. तो 4 मिनट हो चुका है और अगर आप नोटिस करें इसके ऊपर ढेर सारे टाइनी बबल्स आने लग गए हैं और ये थोड़ा सा झाग जैसा इसके ऊपर
आने लग गया है। Now when this is done, I know मेरा बेकिंग सोडा और मठा का जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मिलाते हैं हम 1 टीस्पून वनीला, तो वनीला एसेंस, और इसी के साथ साथ ये जो कॉफी का कॉन्कॉशन मैंने बनाया है ये डालते हैं। और अब इन वेट इंग्रेडिएंट्स को मुझे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करना है। स्लो एंड स्टेडी हम इसमें ये मिक्स करते जाएंगे। Mix this in till you have a smooth batter ready with you. और अब मेरे पास है यहाँ पर melted butter. आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1/4 कप रिफाइंड ऑयल या फिर 1/4 कप मेल्टेड बटर हम इसमें मिलाएंगे। एंड लेट्स मिक्स दिस इन। अगर आप इसमें रिफाइंड ऑयल मिलाते हैं तो एक फायदा ये रहेगा कि आप इस केक को इजीली रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, यानी कि फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आप बटर ऐड करेंगे तो बटर तो रेफ्रिजरेटर में ठंडा हो जाने से हार्ड हो जाएगा। सो चांसेस आर योर केक माइट टर्न अ लिटिल हार्ड। सो देयर वी आर, द बैटर इज रेडी। एकदम स्मूथ बैटर बन गया है हमारा। और अब एक बेकिंग डिश को मैंने लाइन कर लिया यहाँ पर बटर पेपर के साथ, और इसमें अब मैं अपना बैटर पोर कर दूंगी। एंड नाउ इन अ माइक्रोवेव, आई एम गोइंग टू माइक्रोवेव दिस ओनली फॉर 4 मिनट्स ऑन अ माइक्रोवेव मोड। माइक्रोवेव मोड पर हम इसे माइक्रोवेव कर लेंगे तकरीबन 4 मिनट के लिए। चलिए लेट्स डू इट। चार मिनट हो चुके हैं एंड इट्स टाइम फॉर मी टू चेक कि हमारा केक रेडी हुआ है कि नहीं। Smells so good. कॉफी का कितना बढ़िया फ्लेवर इसमें आ रहा है। वंस माई केक इज आउट, मुझे 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा कि ये थोड़ा सेटल हो जाए और तब इसे मैं अपने पैन से निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस केक को माइक्रोवेव में कुक किया है। इसमें बहुत हीट अंदर ट्रैप्ड है, देर इज अ लॉट ऑफ इनहेरेंट हीट इनसाइड, और जब तक वो सेटल नहीं होती आई कैन नॉट अनमोल्ड दिस केक, नहीं तो ये केक पूरी तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। जब आप अपना केक निकालें हो सकता है आपको ऊपर देखने से लगे कि शायद कहीं यहाँ कच्चा तो नहीं रह गया, बिल्कुल भी नहीं। यू विल हैव टू वेट फॉर 1/2 आवर बिफोर यू कट दिस केक, क्योंकि इसके अंदर जितनी हीट है उतनी हीट में अभी ये धीरे 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 पकता रहेगा। तो 1/2 घंटे का समय देंगे हम इस केक को ठंडा होने के लिए भी, और इसके अंदर जो थोड़ा सा अंडन पोर्शन है उसको कम्प्लीटली कुक करने के लिए। We wait for a little while. तो देखिए कितना बढ़िया सा स्पॉन्जी सा केक हमारा रेडी हो गया है, वो भी केवल 4 मिनट में। And this has all the goodness of coffee and the beautiful aroma, so mind-boggling. आप चाहें तो इस केक को सर्व कर सकते हैं चॉकलेट सॉस के साथ, चॉकलेट आइसिंग के साथ, कॉफी क्रीम के साथ,
या फिर चाहें तो बस इस पर प्लेन एंड सिंपल डस्ट कर सकते हैं शुगर। कैसे? बस जैसे मैं एक स्पून इस पर रखती हूँ और एक छन्नी में लेती हूँ पिसी हुई चीनी और इसके ऊपर डस्टिंग कर देती हूँ। है ना ग्रेट आइडिया एक सिंपल से कॉफी केक को लाजवाब बनाने का। A spoon of goodness of the fruit of earth coffee by Modicare can add all the aroma, all the flavor and the best of taste to my cake today.